नमस्कार दोस्तों, संगीतामेरुत्रा.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोफ्ते की सब्जी बनाना सिखाएंगे। आइए चलें बनाते हैं। हमने यहाँ लौकी के पकौड़े बनाए हैं। अगर आपको ये बनाने नहीं आते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच पिसी धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार, दो से तीन चम्मच मलाई, दो प्याज पिसे हुए, दो से तीन टमाटर पिसे हुए, गैस को ऑन कर लें। अब इसमें तेल डालें, आप कड़वा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म होने दें। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें हींग डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसको हम ब्राउन होने तक चलाएंगे। अब प्याज हो गया है, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, इसको चलाएंगे। अब उसमें पिसी मिर्ची डालेंगे, फिर चलाएंगे। फिर उसमें हम धनिया डालेंगे, उसको अच्छे से चलाएंगे। फिर उसमें हम मलाई डालेंगे, उसको चला देंगे अच्छे से जिससे भुन जाए। अब हम उसमें टमाटर डालेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे जब तक सारा मिक्स ना हो जाए। अब उसमें मैंने नमक डाला हुआ है, आप इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुनने दीजिए। अब ये भुन गया है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और इसको चलाएंगे। अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे, 7 से 8 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करिए। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीजें अच्छी लगती हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई कोई चीज बनाएं, तो नीचे कमेंट करें।